डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन नंबर टू. अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करेंगे. ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजिली because of no hydrogen in direct contact with the carbonyl carbon. Dear students, इधर ध्यान देखें, ये मेरे साथ carbonyl carbon है. इस carbonyl carbon के साथ directly contact में आपके सामने देखो ये कार्बन है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है. दैट इज वाई उसका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है. पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखिए, कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इजिली बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट हाइड्रोजन इन कॉन्टेक्ट विद दिस कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, एल्डिहाइड्स की तरह. नोट पॉइंट नंबर टू है ये, कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and strong oxidizing agent, i.e. H2SO4, K2, Cr2O7 in the presence of H2SO4, K-Immuno4, H2SO4, or Ag2O, etc. ये strong oxidizing agent की मौजूदगी में oxidation हो सकता है. और पॉइंट नंबर थ्री, द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आल्सो प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कीटोन की भी अगर हम ऑक्सीडेशन कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K-Immuno4 या K2Cr2O7 की मौजूदगी में, तो ये हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस H2O. डियर स्टूडेंट, पहली बात मैंने बताया कि कीटोन का कीटोन के नॉट बी ऑक्सीडाइज इजिली बिकॉज ऑफ नो डायरेक्ट हाइड्रोजन इन कॉन्टेक्ट विद द अल्फा कार्बन विद द कार्बोनिल कार्बन. दूसरी बात, ketone having alpha hydrogen can be oxidized by high temperature and strong oxidizing agent. हाँ, अगर ketone के साथ alpha hydrogen है तो उसको हम आसानी के साथ oxidize कर सकते हैं, लेकिन strong oxidizing agent के मौजूदगी में. और the oxidation of ketone भी हमको carboxylic acid देता है, लेकिन उसमें एक keta के MCQs है, जरा इसको याद रखे, जाना दिया आप इसको दे दी. पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर ये है, इन केस आप अनसिमेट्रिकल कीटोन द कार्बोनिल कार्बन विल अटैच्ड या विद डेट कार्बन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द कार्बोनिल कार्बन विल अटैच्ड या विल रिमेन विद डेट ग्रुप which have
smaller number of carb, alkyl, of carbon. मतलब मेरा ये है कि लेट सपोज अगर हम इस चीज का ये एक कीटोन है, हम उसका ऑक्सीडेशन करना चाहे, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो ये कार्बोनिल कार्बन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, द कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बन विल रिमेन विद डेट विद स्मॉलर अल्काइल, डायरेक्ट मैं लिखूंगा विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, हाँ, विद इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द कार्बोनिल कार्बन विल रिमेन विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप. इधर उधर देखें, ये स्मॉलर ग्रुप है तो इंट्रोड्यूस में आएगा कार्बोक्साइलिक एसिड कौन सा बनेगा. तो कॉमन सेंस के मुताबिक हम तो ये कह सकते हैं क्यों बोले ये भी बन सकता है, फिर ये भी बन सकता है कि नहीं नहीं ये ग्रेटर अल्काइल ग्रुप है और कार्बोनिल कार्बन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाएगा. उसमें एमसीक्यूज ये है कि अगर हमारे साथ अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे बराबर नहीं है, तो फिर ये कार्बोनिल कार्बन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें अल्काइल ग्रुप कम हो. फॉर एग्जाम्पल उसमें एक दो दो है, दो कार्बन है उसमें एक है तो उसके साथ अटैच होगा, तो ये आपके साथ प्रोडक्ट बनेगा. एंड देट वॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. थैंक यू.